कुछ ऐसा काम करना है जीवन में कि यहाँ इंडिया का झंडा हो लगे बस। कैफे वगैरह भी हैं पूरी, जैसे मसूरी में होता है ना माल रोड होती है, शिमला में माल रोड होती है, ये माल रोड लग रही है यहाँ की। यार मैप है, चलो मैप देखते हैं। फोका लिखा यू आर हियर, कोई ढूंढ रहा हूँ भाई। जब व्लॉग देख रहा है और उनको शॉपिंग करनी है तो इसे स्कैन कर लो। ये खाने पीने की दुकान है, ये फ्राइज की दुकान है, मैस विद योर फ्राइज, मस्त स्टारबक्स, महंगी कॉफ़ी। यार इतनी ठंड नहीं है पर फिर भी हमने जैकेट पहन रखी है क्योंकि कनाडा के मौसम का कभी नहीं पता। ठीक है, वेलकम बैक टू माय चैनल, आप सभी लोगों का स्वागत है इस नए व्लॉग में। आज मैंने व्लॉग घर से शुरू नहीं किया क्योंकि हर बार की तरह मैं घर से स्टार्ट करता हूँ, फिर जो जहाँ पे पहुँचने वाले होते हैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 5-10 मिनट निकल जाते हैं। तो मैं कहा आज सीधा व्लॉग वहीं पे स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो आज हम ब्लू माउंटेन की मार्केट में, रैंडम प्लान बना हर बार की तरह, 3 बजे घर से निकले थे, टाइम क्या हो रहा है, बज रहे हैं 5:30। मार्केट ऑलमोस्ट बंद हो गई होगी हमें पता है, बट हम सिर्फ घूमने आए हैं। ठीक है, सिर्फ हमें आसपास की चीज़ें देखनी है, हमें कोई राइड्स नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, जो आसपास की चीज़ें देखेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। बढ़िया सा मस्त सा, अभी तो मस्त में कोई बच्चे का ये लग रहा है पर मैं इससे छीन नहीं सकता इसे। उसके अलावा यहाँ पे जो भी होगा, जैसे शिमला मनाली में माल रोड वगैरह होते हैं उस टाइप की मार्केट है। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, मतलब मैं पहले आया था सिर्फ, पर मैं राइड लेके घर चला गया था। मार्केट आज आपको दिखाते हैं और खुद भी देखते हैं और मज़े उठाते हैं। अभी तो हमारे आगे बहुत भीड़ चल रही है, थोड़ा धीरे बोलना पड़ रहा है। देखो नहीं तो गंडोला, यहाँ से गंडोला राइड मिलती है ऊपर जाने के लिए, फिर ऊपर सारे में ट्रैक ट्रैक करके आते हैं लोग नीचे। ये हमारा फ्री गाइड है आज का क्योंकि ये आ चुके हैं यहाँ पे। पर मार्केट अच्छी है, अगर आपको फ़ोटो वोटो खिंचवानी है या कुछ भी करना है चारों तरफ, वो उससे कितना सही लग रहा है। और रही बात जहाँ पे धूप पड़ जाती है, जैसे अभी धूप पड़ रही है ना, मेरे चेहरे भी पड़ रही होगी तो ये भी सुंदर लग रहा होगा, पर है नहीं, पर तो यहाँ पे भी धूप पड़ रही है तो इस चक्कर में सब क्या तो बढ़िया है यहाँ पे। क्या बोल रहे, बैठने का अच्छा है। तो ऐसा लग रहा है हम इतने ज़्यादा ऑफ आवर्स में आए ना कि 5:30 बज रहे हैं, तो इतनी भीड़ पीछे छट चुकी है पूरी, क्योंकि इनके कोई सर्टेन आर्ट्स होते होंगे पर हमें तो उससे कोई मतलब ही नहीं था। हम तो सिर्फ यहाँ पे आए थे वॉक करने के लिए, घर से 100-120 किलोमीटर है, मस्त टाइम पास, मस्त आ गए। उड़न खटोला, उड़न खटोला पता है तुम लोग, जो जो इसमें बैठ के चले जाते हैं। और भाई जिसने ये वाला व्लॉग नहीं देखा, हम जब इसके ऊपर गए थे उसका लिंक आ जाएगा ऊपर कोने में, तब क्लिक करके देख सकते हो। मैंने पता क्या कहता है, जैसे मेरे को तो स्कीइंग करनी आती नहीं है, तो यहाँ पे बिगनर वालों का भी होता है, जो सबसे जो भी कुछ छोटा सा होता है उसमें थोड़ा सा ऊपर जाओ सपोर्ट के साथ आप नीचे आ सकते हो। बट मैं इतना बेवकूफ़, मैं इस वाले के ऊपर चला गया और वहाँ से जब मैं नीचे आया तो मेरी ऐसी तैसी हो गई थी, तो उसका लिंक डाल दूंगा, वो आप देख लेना अपने आप ही। ये स्नो जो है ना, ये मेरी तरह डेट हो चुकी है, इतनी धूप में भी नहीं पिघल ली। अभी तोड़ दी बर्फ, क्लाइमेट खराब कर दिया। मैं देखो पिघल इंडिया पहली बार देखिए दिल्ली से आए। और वहाँ पे एक राइड चल रही है, अभी तो कोई आ नहीं रहा उस पर, पति उसे बैठ गया था क्या, वीडियो है आपकी? हाँ तो मेरे को दे देना, वो मैं डाल दूंगा। तो वो वाली जो साइड हो भाई, हेलो, तो वहाँ पे वो जो राइड है ना वो वाली, तो ऊपर से लोग आएंगे बैठ के, इन्होंने कर रखी है तो इनकी वीडियो डाल दूंगा। अभी तो ऑलमोस्ट भीड़ छट चुकी है और जाने लग रहे हैं, ये लोग फोटो वोटो खिंचा रहे हैं बस, बाकी सब हो चुका है। इधर पूरी मार्केट थी और इधर पूरा राइड का सिस्टम है, राइड के प्राइस भी बताए थे देख के, क्योंकि अब सर्दियाँ तो चलेगी तो बर्फ़ भी इतनी है नहीं, तो इसलिए बंद हो गया वो राइड वाला सिस्टम। तो जब बर्फ़ होती है तो भाई तब मौज आ जाती है स्कीइंग करने में, सब कुछ करने में। जब हमने तो कब भी आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता, स्केट बोर्डिंग स्की कुछ भी नहीं आती, पर करा सब कुछ था और फुल ऐसी तैसी हुई थी, बर्फ़ पिघल ली पानी का। ये पहली बार बर्फ देखी है कुछ लोगों ने। जैसे अब ये करे तो इसे डांटे भी, ले ले जूते गंदे कर दिए बेटा, देख या तो जूते उतारे कर, नाइकी के जूते खराब नहीं करने दूंगा। ये अलग चल रहा है, ये सारी सड़क आज लेवल में कर दूंगा आज मैं।
भाई इस वाली राइड की बात करते थे, घुमा के लाता ये पूरा जंगल में घुमा फिरा के लाएगा और फिर वापस आके यहीं छोड़ देगा। बोलूँ हमने लास्ट वाला ब्लॉग देखा होगा जो मेरा 100वां ब्लॉग था, ये 101वां है। मेरी तो ऐसी तैसी होती है, कौन सी ला रहा भाई छिगा भाई, मेरी तो ऐसी तैसी होती है, तुम बिठा सकते हो, मेरी तो ऐसी तैसी हो जाती है, तो मैं तो नहीं करूँगा। डरावना होता है? नहीं। डर लगता है? इजी इजी होता है, मैं कर लूँगा। मैंने फुल स्पीड में चिल्ला क्यों रही है फिर? अबे पागल है भाई, कुछ चिल्ला रहा हूँ उस पर, मेरे को तो ऐसी तैसी। अबे वही अच्छा टिकट कहाँ थी, ज़्यादा इजी है क्या? और टेम्परेचर है 1 डिग्री और वर्किंग आवर्स है 10 से 6, तो अभी टाइम हो रहा है 5:30, तो अभी आधा घंटा है अगर करना चाहते हैं तो। अभी नहीं, टिकट बिना टिकट के जाएगी ना तो जेल में डाल देंगे। ओए नीचा नीचा वापस। हाँ ये वाली है भाई, इसके अंदर बैठ के, इसके अंदर से कहीं से टिकट मिलेगी, अब जाके देखना पड़ेगा। 13 साल से बड़ा बच्चा है तो वो अकेला कर सकता है, तो इसका मतलब मैं 23 का हूँ तो मैं अकेला कर सकता हूँ, मेरे को मम्मी की ज़रूरत नहीं है। मम्मी की ज़रूरत जीवन में तो है पर यहाँ राइड के लिए नहीं है, ये मैं अकेला कर सकता हूँ। क्या बात है मम्मी, अगली बार क्या हो गया? बड़ा इसका मुंह इधर करो ना, इसको इसको धूप कैसे लगेगी वरना। हाँ अब ठीक है ना, मेरा मेरा दिमाग वाला लेवल भी ऐसा ही हो चुका है। इधर नहीं मिलती, इधर आगे मिलती। पर टिकट लेने गए थे, पर ये बच्चा हमारा 3 साल से छोटा है ना, अगले महीने हो जाएगा 3 साल का, तो इसके चक्कर में ये इतना रूल्स के हिसाब चलता है। इसकी हाइट बड़ी थी पर उन्होंने कहा कि नहीं 3 साल से बड़ा बच्चा चाहिए, तो इस चक्कर में फिर उन्होंने कहा चलो रह दो, इस बार नहीं कर रहे, अगली बार करें। अब क्या करें, यहाँ के लोग चलते हुए तो रूल के हिसाब से हाइट पूरी थी पर एज के हिसाब से 1 महीना छोटी है, तो उन्होंने कहा नहीं नो 3 साल से बड़ा बच्चा लेके आओ। ओए झूठ नहीं बोल सकती थी, मैं झूठ नहीं बोलती थोड़ी हूँ। ओ भाई मेहनत कर रहा है, भाई मेहनत कर रहा, फुल मेहनत कर रहा भाई, फुल मेहनत। पूरे ब्लू माउंटेन के एकदम बीच वाली सीट मिली है। ये चीज अच्छी है यहाँ पे, ये वाला तो बुझा हुआ है नहीं, गर्म है भाई, पर वो वाला चल रहा है, उसमें धुआं भी निकल रहा है। एम्बुलेंस आ रही है किसके लिए, जाओ। मैं तो पूरा दिन काम इन्हीं के साथ है, जाके पूछ क्या हो गया है? और गाइस क्या हो गया, व्हाट्सअप लाइसेंस भी है बस तो मेरा। अभी रील के आइडिया सोच रहा हूँ, कुछ आ नहीं रहा, कमेंट सेक्शन में बता दो कोई आइडिया, वही रील बना दूंगा। अबे तुझे क्या हुआ प्रेम भाई, अबे आराम से धीरे धीरे आ प्रेम भाई, अबे आराम से प्रेम भाई, अरे भाई ये हमें ले तो आए ब्लू माउंटेन, ना कुछ खिला रहे ना पिला रहे, इनको बोलना पड़ेगा। भाई साहब तो हमें यहाँ ले तो आए, कुछ एडवेंचर करा दो, कुछ खिला पिला दो, कुछ तो कर दो। पैसे तेरे पास? पैसे पैसे क्यों नहीं है, कुछ खिला दो, इतना महंगा थोड़ी होता होगा। क्या खा ले, खुद खा ले, खुद खा लूँ। ओके गरीब 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 गरीब। भाई इसका गेट खुला है, बस यही खरीद पाता हूँ मैं। भाई धोखा हो गया हमारे साथ, हम वहाँ पे बैठे हुए थे मस्त, जैसे उठे ये आग चलाने आ गए, देख रहे हो। अब हम सोच रहे हैं इनको उठाए, भाई खांस गिर गया, धुआं लग रहा है उसको। देखिए चॉकलेट, माई माई तो ठीक है, पानी पिलाओ इसको थोड़ा। इंडिया में तो दिल्ली पॉल्यूशन इतना है, ये धुआं थोड़ी है, दिस इज जस्ट रेगुलर ब्रीदिंग। अब देख ज्यादा खांसी हो गई, तो बेटा क्या बोलने वाला, बेटा हुक्का पीना शुरू कर। वजह को मजाक से हट के एक चीज़ कि यहाँ पे ना अगर 100 लोग हैं ना तो कम से कम 70 इंडियन है, ठीक है, और ये अच्छी बात है हमारे लिए कि इंडियन की जनता इतनी ज़्यादा है, पर है इंडियन सी, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आप किसी फैंसी जगह पे हो, बट हो आप हिंदुस्तान में ही, ये कोई इंडिया का हिल स्टेशन है मस्त। तुम चाहे वीडियो घुमा घुमा के देख लो, जहाँ पे मैं तुम्हें आसपास की चीज़ दिखा रहा हूँ। ओ भाई ये सड़क देख रहे हो, एक नंबर। कहाँ लिखा है, कहाँ देख लिया हमने इंडिया। इंडिया अरे इंडिया नीचे क्यों लिखा है, ये ढक्कन हटा नहीं सकता, ये मेड इन इंडिया, इसलिए इस पर इंडिया लिखा है, वरना ऐसे ज़मीन पे लगा हुआ है, कुछ और चीज़ होती तो उखाड़ के घर ले जाते, पर ऐसे ज़मीन पे अच्छा नहीं है, क्या कर सकते हैं, मेड इन इंडिया है वो। ये जो बनाता है उसको सोचना चाहिए कि कहाँ लगेगा ढक्कन। बुरा लग रहा है अब तो मेरे को, ज़्यादा इंडियन इंडियन कर दिया और फिर ऐसा हो गया।
ये कौन खड़ा हुआ है? वाह वाह वाह, एक ऑटोग्राफ देना यार। एक मैं फोटो खींचने के लिए ऐसे नहीं खड़ा होता, मैं नेचुरली ये भी ऐसे ही करता हूं। ओहो, नेचुरल है क्या? आई जस्ट वांट टू शो दैट टू पीपल। भाई शो दैट टू पीपल। तो भाई ये बंद हो रहा है, 6:30 पे खत्म, बंद हो जाएगा। और टाइम हो रहा है 6:20। तो जैसे कि मैंने कहा था कि सब कुछ ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें करना भी नहीं था। ये तो हमारे घर के पास ही है, फिर भी हम नहीं गए आज तक। तो हम तो अंदर ऐसे ही गए थे टाइम पास करने के लिए। बहुत महंगा है, $27 का। सिर्फ वो एक आर्टिकल सा मिलेगा जिस पर कलर कर सकते हो, तो ऐसा अच्छा घर की दीवारों पर कलर कर लो। मजा कर रहा हूँ, बाद में ओनर ऐसी तैसी कर देगा। कोल्ड ट्रुथ दुकान का नाम ये है, पर अंदर से चूरोज मिलेंगे जो होंगे गर्म। इन दिस कंट्री नथिंग मेक सेंस। भाई ऋषभ भाई, तुम तो आज कमाल लग रहे हो भाई। ये तो कैमरा खुलते ही कैमरा तुम पे जा रहा है। ऐसे नीचे बैठ जाओ थोड़ा सा, ये आइसक्रीम को साइड में अच्छे लगोगे। ओ भाई कसम से तुम ही दिख रहे हो बस, ये मार्केट भी फीकी है तुम्हारे सामने। थैंक यू थैंक यू। भाई ज़्यादा तारीफ कर दी तो एक्सरसाइज करने लगा, कह रहे बॉडी बना लेता हूँ। जैसू जैसी गरीब, ये गरीब। कौन सा फ्लेवर का ये अगला बता। ये गरीब लोग हैं। बोल ना, बोल बोल ना, क्या बोलता तू? होता तेरे ब्लॉग में आजकल चश्मा वश्मा कहाँ है मेरा? अबे गरीब तेरे पास है ही नहीं। वो गाय घर पे रह गया है, बाकी मेरी फास्ट ट्रैक की घड़ी में 6:30 बज चुके हैं, घर का टाइम हो गया है। इसे बोलते हैं घड़ी, इसे घड़ी नहीं बोलते, इसे आई वॉच बोलते हैं। गई ये चिड़िया, देखो यहाँ पे हर जगह मिल जाती है। बैटरी लो गई। अलाइव लो गई, पर टाइम बता रही है 6:30। टाइम तो मेरी ही बता रही है, पर वो इनका अच्छा टाइम बता रही है, मेरा फास्ट। भाई गिफ्ट मिली है, मेरे भाई ने दी थी मेरे को। तो दिस इज मोर देन एप्पल वॉच, आई वॉच, घंटा घोटाला, मोर देन रोलेक्स। फास्ट ट्रैक इज फार बेटर देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज ये मेरे भाई ने दी है। आई वांट करेक्ट माई सेल्फ, दी नहीं है, मैं चुरा के ले आता इंडिया से उससे। तो स्टिल वर्थ देन मोर देन अ मिलियंस। आई एप्पल वॉच खरीद सकता हूँ मैं, बट भाई की वॉच है, इसके पहनेंगे। देखो दिस इज व्हाट वी गॉट इन $10। $10 के? यस। लाओ घर ले चलते हैं, फ्रेम करेंगे। चीनी लगी। इस भाई को खाना था डोसा। ओके। तो आए हैं अन्य लक्ष्मी, रोने लगे गाड़ी में डोसा डोसा, तो इसलिए इधर आए हैं। इस छोटी सी बिल्डिंग के अंदर एक कॉलेज है, और ये कॉलेज की कैंटीन है पूरी, और हम जा रहे कैंटीन में डोसा खाने। देखो ये रहा कॉलेज का नाम, रेटिंग भी अच्छी है, बस प्राइवेट है, वो वर्क परमिट नहीं मिलेगा, ठीक है, पढ़ने के बाद याद रखना। फुल डोसा आ चुका है, बस इस चटनी को इधर कर देते तो इंडिया का झंडा बन जाता बड़ा, इतना मतलब ऐसे हाथ से ना पोवा। अब देखो अंदर दिखाता हूँ। कुछ कहना है आपका? खा लिया फटाफट। यहाँ पे सांभर फ्री मिलती है ना, तो मैंने 2 कटोरी खाई, इन्होंने भी 2। दो दिख रही है, उन्होंने 4 खाई। क्या फ्री थी? खाता रहूंगा दो बोलो।